मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिसफेयर, इसके स्टेटमेंट है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेमिसफेयर ऑफ रेडियस ए अबाउट द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे पास एक सफियर है तो उसकी वो हर तरफ से सिमेट्रिक होता है चारों सुरंगे में, लेकिन अगर हेमिसफेयर है तो हम देखें अगर इसमें जो जी एक्सेस है वो इसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी जी के आप लेफ्ट राइट चेक करें तो हमें एक जैसी शेप मिलती है, जबकि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के अबाउट ऐसा नहीं है कि हमें एक जैसी शेप मिले। तो इसमें जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो जी एक्सेस है। इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला, या प्रोडक्ट मैट्रिक्स कह लें, या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स या आई वाई वाई या एक्स वाई, इस तरह से हमने जितनी बात की। तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे एक वॉल्यूम लेंगे छोटा सा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम उसका वॉल्यूम मालूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके जो साइड्स हैं वो देखते हैं हम, चूँकि हमारे पास अभी जो कोऑर्डिनेट हैं वो है इसमें आर इसका रेडियस, रो सॉरी फाई और थीटा, दो तरह के इसमें एंगल्स चेंज हो रहे हैं। एक एंगल जो है वो इसको ये जो शेप है इसको जनरेट करता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से टू पाई तक जाएगी फाई की वैल्यू, जबकि हमारे पास इसमें थीटा जो है अगर तो फुल स्फेयर होता तो थीटा की वैल्यू चेंज होती यहाँ से इस तरह से, यानी यहाँ से माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक, लेकिन चूँकि अब हमारे पास हेमिसफेयर है तो अब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी ज़ीरो से लेकर पाई बाई टू तक, ज़ीरो से पाई बाई टू तक इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इसकी जो डायमेंशन हैं वो भी हम इसी फॉर्म में मालूम करेंगे, ये डायमेंशन इसमें चेंज आ रही चूँकि रेडियस है तो आर चेंज आ रही डी आर आएगा। अब ये जो फॉर्म है ये इसके साथ एक थीटा में चेंज देगा और एक फाई में चेंज देगा, इस तरह से जो चेंजेस हैं इस डायमेंशन से, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बहरहाल अगर हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी वॉल्यूम जो है डी एक्स डी वाई और डी जी है, तो हम इस पे चेंज कर रहे हैं बेसिकली इसकी इसमें चेंज कर रहे हैं डी एक्स डी वाई और डी जी को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा और फाई। इसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम जैकोबियन कहते हैं, उसमें इनकी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है जैकोबियन, और वो फॉर्म इस फॉर्म में देता है जैकोबियन जो है पार्शियल एक्स वाई जी को आप चेंज करना चाहते हैं न्यू वेरिएबल में पार्शियल आर फाई एंड थीटा में, तो इसके लिए आता है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई आर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल फाई सॉरी इसमें ये फॉर्म नहीं आएगी। तो जब अभी हम इसमें यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस है जिसके तहत इसको कैलकुलेट किया जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर, फिर इसी तरह से पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल फाई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल फाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल फाई, इसी तरह से पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल जी ओवर पार्शियल थीटा, इसको वैल्यूएट करते हैं। तो इससे हमें जो फॉर्म मिलती है उसको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसने ये फॉर्म दी भी है डी वाई की, लेकिन हम इसका जो डायरेक्टली आंसर है वो सिर्फ वो यूज़ करेंगे। तो इसका अगर हम ये वाले जैकोबियन का आंसर निकालें तो आएगा आर साइन थीटा, तो डी एक्स डी वाई डी जी वो हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ये सिर्फ हमें चेंज बताएगा कि अगर आप एक्स वाई जी को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो एक फैक्टर जो साथ मल्टीप्लाई होना है जैकोबियन ने सिर्फ वो फैक्टर देना है, वो फैक्टर आया आर स्केयर साइन थीटा, बाकी डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जी वो चेंज हो गया डी आर डी थीटा और डी फाई में। और इसके बाद फिर चलते हैं इसकी जो आई एक्स एक्स था आई जी जी रो साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वी, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसमें वही सारी वैल्यूज पुट कर देंगे डी एक्स सॉरी एक्स और वाई की, और सिंप्लीफाई करेंगे आर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। और जबकि हम इसमें जब डी वी को चेंज करेंगे
तो वो हमारे पास आता है आर स्केयर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, सारी वैल्यूज पुट कर दी। और इसमें पहले फाई को चेंज आए, फाई को हम चेंज करेंगे, वो तो 0 से 2 पाई तक ही है, और जो इसमें थीटा है वो 0 से पाई तक, और जो रेडियस है वो 0 से a तक चेंज हो रहा है। तो जस्ट आप इसी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी इसमें 2 पाई रो और a 5/5, और साथ में जो साइन थीटा वो आएगा सिर्फ उसका आंसर 2/3। ये पहले भी कई दफ़ा बता चुका है, इसमें ये एक वैल्यूज फार्मूला है उसके तहत ये कैलकुलेट किया जाता है। वो क्या है, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 साइन एन थीटा और डी थीटा। अगर तो इसमें एन इवन हो तो फिर ये आता है n-1/n, n-2/n, n-3/n, -2 एंड सो ऑन, 1/2 एंड π/2, लेकिन ये इवन के लिए है। और अगर n हमारे पास ऑड है, यानी इसकी जो पावर है वो ऑड है, तो फिर आता है n-1/n, n-2/n, n-3/n-2, चलते गए और एंड में सिर्फ आ जाएगा 2/3, और अगली टर्म लिखे तो आ जाएगा 4/5 अगली टर्म। इस तरह से ये दो इसके फार्मूलाज है, डायरेक्टली हम वैल्यू फार्मूला का रेफरेंस दे के हम इसका डायरेक्टली आंसर ले लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी इसमें जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म करें। तो ये हमारे पास वैल्यू निकला इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन इसमें अभी रो की वैल्यू चेंज करना अभी बाकी है। रो किसके इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम चूँकि हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आएगा 2/3 π, उसका रेडियस a है, तो a क्यूब सिंप्लीफाई करने के बाद और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बेसिकली ये उसका आंसर बन गया फाइनल।